डाल दें तो तकदीर बदल देते हैं, हाथ उठा दें तो फिर बेड़े पार हो जाया करते हैं। मैं सैयदों की तारीफ कैसे कर सकता हूं? किसी ने इमाम शाफई से कहा था, हजरत जी आप सैयदों की तारीफ कर दें। आपने फरमाया था मेरी औकात में तारीफ कर सकूं? कहा इनकी शान तो ये है, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। हमारी नमाज ही तब मुकम्मल होती है जब हम इन पे दुरूद पढ़ते हैं। आज वो शख्सियत आई हुई है कसम खुदा की जिसके बारे में आज हम कहते हैं तो ये बेजा नकी है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के, जबकि आला हजरत ने ये कहा था। आज हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। और ये जो ठेकेदार बने फिर है ना कि हम अली वाले हैं, मौलाई, जबकि मौलाई नहीं मवाली है, मौलाई असली हमें, इसलिए हम फख्र से इस बात को कहा करते हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई अल्लाह तौफीक दे तो पहचान लिया करो धतूरे और गुलाब को, पहचान लिया करो। हर स्टीकर सच्चा नहीं होता है, हर सेब कश्मीरी ठेलों पे जाके देखो, स्टीकर लगा के हिमाचल वाले कश्मीर में चल रहे हैं, वही वाला मसला है। तो हर स्टीकर वाला सेब कश्मीरी नहीं होता है, हर टाइटल वाला पीर सैयद नहीं होता। इनसे बात करो, इनका लहजा बताएगा मुस्तफा वाले, इनके पास बैठो अंदाज बताएगा हुजूर वाले। आका वालों का तो बस अंदाज ही निराला है, बस प्यारे अगर किसी से बैठ ना हो तो हजरत के हाथ में हाथ दे दें। एक मसला और है हमारे बीच में, कहते हैं कि पहले मुरीद बाद में होंगे, पहले बिया कर लें, बिया कर लें। तो वजह बताता है एक साथ मरीद होना मियां बीवी को, क्यों भाई? तो कह रहा इसलिए कि कयामत में अल्लाह फरमाएगा अपने अपने पीर का दामन पकड़ो, तो कह रहा मेरी बीवी उसके साथ जाएगी, मैं दूसरे पीर के, तो दोनों एक के साथ जाएंगे भाई, इसलिए एक ही पीर का दामन पकड़े। ये सोच के हम लोग उम्र गुजारते रहते हैं, मौत का कोई पता नहीं है। ये 10 साल में भी आ सकती है, 12 में आ सकती है, 14 में आ सकती है, 18 में आ सकती है। और कई बार लोग कहते हैं कलम पढ़ दो तावीज कर दो, कामयाबी नहीं हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने दूध पीते बच्चों को लाओ, इनके कदमों पे डाल दो, सिलसिले में दाखिल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं होगी। जब परेशान हो के किसी की नजर ओ न हो, बगदाद वाले की भी नजर हो जाएगी, करबला वाले की भी नजर, शर्त है सिलसिले में दाखिल हो जाओ, छोटे बड़े सारे दाखिल जाए। इंतजार ना करें इस बात का, इंतजार ना करें, बीवी आएगी तभी करेंगे। कई बार ऐसे ही चले गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को, आपने उस शख्सियत को दावत दी है जिससे मुलाकात के लिए बड़े बड़ों की जूतियां खिंच जाया करती है। आज वो जात आपके शहर में, आपकी बस्ती में आई। अल्लाह ताला हजरत के कदम नाज की बरकतों से हम सबको माला माला फरमाए। हुजूर चलवाकर हुए हैं, हम अपने तमाम ही इलाके के लोगों और उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से तहे दिल से हजरत का इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत ने अपना कीमती वक्त अता फरमाया। और जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में हुजूर जलवागर हुए, अल्लाह ताला हजरत के साये को हम सबके सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आप देख रहे हैं हजरत के करीब में काजी शहर हजरत अल्लामा मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला दामज़ल्लाहु अलैहि भी तशरीफ फरमा। ये बड़े बड़े चेहरे हैं, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हम सब पर तादेर कायम दायम फरमाए। फरमाया गया कुल हल यस्तवी अल्लज़ीन यअलमूना वल्लज़ीन ला यअलमून, महबूब फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कुरान वालों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। मैंने बात छेड़ी तो यहीं से थी लेकिन रुख उधर हो गया। इंशाल्लाह कभी जिंदगी मौका देगी तो इस मौजू पे फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। बस इतनी देर मैंने गुफ्तगू की है, इसका माहसल ये है हम सबको सुन्नी बरेलवी रहना। कौन सा सुन्नी रहना? कौन सा?
बरेलवी सुन्नी। वक्त बहुत हो चुका है, हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा, दस्तारबंदी भी होनी है, वक्त काफी हो चुका है। इंशाल्लाह कभी जल्दी नंबर देना, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हजरत ने भी लास्ट में रखा था और हजरत ने भी लास्ट में डाल दिया, मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं आप अभी तक बैठे हुए। अल्लाह सलामत रखे आपको, भाई असद इकबाल साहब को भी सुनना है और दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी देखना है। तो अपने बच्चों को कुरान से जोड़िए, जिसके घर में बरकत ना हो कुरान वालों को लाए, अपने घर पे खाना खिलाए, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। उलमा का एहतराम किया करो, इल्म वालों की कदर किया करो। इक्तदा जाहिल पीरों की नहीं करनी है, इक्तदा उलमा की करनी है। पीर कुछ भी कह जाए ये नहीं पूछना है पीर ने कहा है, ये देखो सही कहा है कि गलत कहा है। सही गलत का फैसला हजरत अल्लामा कारी लालुद्दीन साहब करेंगे, मुफ्ती अशफाक साहब करेंगे, ये मुअज्जज उलमा करेंगे। जो पीर शरीयत पे लेके जाएगा हम उसके साथ जाएंगे, जो शरीयत के खिलाफ लेके जाएगा लात मार देंगे और कह देंगे चल तुझे नहीं पता। हम उसके हाथ में हाथ देते हैं जो बरेली वाले का दामन थाम के आया। याद रखिए इस दौर में हक की पहचान बरेली, हक की पहचान बरेली शरीफ है। और अगली बात कह दूं, अल्लाह हजम करने की तौफीक बख्शे कुछ लोगों को, मेरे मुर्शिद के जमाने में, मैं फिर कह रहा हूं मेरे मुर्शिद के जमाने में मरकजियत का जिसे शरफ हासिल था वो मेरे मुर्शिद था जो शरिया का दस्तखत था। आज के दौर में जिस सिग्नेचर को मरकजियत का शरफ हासिल है वो अल्लामा असद रजा कायदे मिल्लत का सिग्नेचर है। हर किसी के फतवे को मरकज का फतवा नहीं कहेगा। कितने फितीन अपनी टांगे फड़फड़ा ले, सिर्फ एक बार काफी, जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। कोई मुफ्ती फतवा दे अगर शरीयत की रोशनी में दुरुस्त है तो लाइक को तस्लीम, और अगर खिलाफ है तो हर किसी के फतवे को, जो खिलाफ होगा हम किसी का तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं इस पर गौर करना, आज मरकज का फतवा वही माना जाएगा जिस पे कायदे मिल्लत के साई। हर किसी के फतवे के धोखे में मत आना। जब बरेली से लिखवा के लाए, बरेली में 18 जगह का नुकसान है, 3 जगह का नुकसान है, हाँ याद रखिएगा। लेकिन काजी अल-कुज़ात फिल हिंद कायदे मिल्ले अल्लामा असद रजा, इनके सिग्नेचर मरकजियत का शरफ रखते हैं। इसलिए ख्याल करना है हर किसी के धोखे में भी नहीं आना, और नस्लों को समझाना बेटे लंगड़ा होके मर जाना, वहाबी होके ना मर जाना, अंधा होके मर जाना, राफजी होके मत मरना, अपागिज होके मर जाना, खारजी होके मत मरना, भले फाके से मरना लेकिन सुन्नी बरेलवी होके मरना। अगर बरेलवी होके मरे कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तकूलो फी हक हाज़र रजुल, फिर कान खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमर में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरेली वाला है तो फख्र से कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तो मेरे इस मुबारक बस्ती के मुबारक लोगों, राफजियों से बचना, खारजियों से बचना, मसलक आला हजरत पे कायम रहना। वो क्या फरमाया मेरे मुर्शिद ने, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर कादरी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर कायम रखे। और मेरे बोलने में आमदन साहबन जो गलती लग्जिश हुई हो मुस्तफा के सदके में मौला करीम माफ फरमाए।
जो हुए अखलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरो की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम मेरे नबी के नाम पर, आपके गांव का नाम मेरे नबी के नाम पर रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बात है माशाल्लाह। आका का, आका की मोहब्बत में आपने जलसा कराया, यहां पर हमारे बावकार उलमाए किराम तशरीफ फरमाए अलहाज गुलाम रब्बानी साहब ने, बहुत ही अच्छा पढ़ा। गिर भी सकता हजरात, तो जितने कमेटी वाले हैं जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कमेटी वाले तो बहुत नजर आ रहे हैं मगर हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, जितने बिल्ले बिल्ले लगाए हुए हैं, हाँ माशाल्लाह आप बड़ी मोहब्बत से। अच्छा जितने गांव के लोग हैं हाथ उठाएं सारे, इंशाल्लाह गाँव का भी काफी माल है यहाँ। जी जी, हाथ नीचे रखे, जितने बाहर वाले हैं वो हाथ उठाए। अच्छा अभी बाहर वाले कम हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई जो कमेटी वाले हैं अगर काम पूरा हो गया तो आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, मेरे भाई जरा करीब आ जाएं, जो उधर कोने में बैठे हैं आ जाएं मिलके बैठ जाएं। देखिए नजरें हमारी तरफ रखिए, जिनके सरों पर टोपियां नहीं है वो सरों पर टोपियां रखे, टोपी ना हो सर को रुमाल से ढके, क्योंकि ये किसी नेता का जलसा नहीं है मेरे आका का जलसा है, ये किसी नेता का जलसा नहीं है मेरे आका का जलसा है। सही करो, इसे बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा। हजरात जो हमारे भाई ये खड़े हैं इधर अंदर आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी तशरीफ लाएं, जो सामने खड़े हैं सब बैठ जाएं। और मैं चाहता हूं अब जलसा इस अंदाज में हो कि आप कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखें और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना कर सको आप एक बार कर दो और हाथ डालो, दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो माइक की खुद ही बहुत तारीफ करते हैं जब अच्छा बोलता है, और जब परेशानी होती है तो आपकी तरफ इशारा करते हैं। मैं चार मिसरे पेश करता हूँ कि इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। अब मैं देखता हूँ किस किसकी उर्दू मजबूत है किसकी कमजोर है, जो शेर समझ जाएगा उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा और सुभान अल्लाह मुंह से निकल जाएगा। अब मैं देखता हूँ कौन खामोश रहता है कौन बोलता है। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और आका की विलादत पे जो करते हैं चरागा, आका की विलादत पे, आका की विलादत पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। हजरात बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। बच्चा नाथा मेरी मुराद अजीजम हसन नजर उशाही मुरादाबादी, आपके सामने उन्हीं का नंबर आएगा। जैसा कि मुझे अल्लामा हनीफ मंजरी साहब ने, मौलाना मनाजी साहब ने, कमेटी वालों ने बताया कि अब न नंबर बाहर वालों का आएगा न गाँव वालों का आएगा, उन्हीं का आएगा जिनका पोस्टर में नाम है, जिनका इश्तिहार में नाम है, ये पहले से प्लान तैयार हो चुका है। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो जलसा बहुत कामयाब होगा, जिन लोगों को बुलाया है उन्हीं को पेश किया जाए, वरना कहीं कहीं ऐसा होता है 12 बजे तक गांव वाले आते हैं और जब गांव वाले सो जाते हैं तो बाहर वाले आते हैं, मगर यहां के लोग बड़े चालाक हैं, जिन लोगों को बुलाया उन्हीं को सुनना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अब मैं शेर पेश करता हूँ, बेटा बड़े बच्चियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, बच्चों के किसी और के हाथ भिजवा सकती है। ये मेरा शेर सुनिए, नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है, नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर मैं सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है, अगर मैं सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, कदम सरकार ने, कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हीरा के गार का पत्थर महकता है। अगर इन्हें पैसे जो दिए जाते हैं तो इसलिए दिए जाते हैं कि ज्यादा माहिक तो ना है, ये ऐसा लगता है जब बोलते हैं जिन्नात में से हैं और इतने नारे लगाते हैं। मैंने शुरू में पाबंद कर दिया कि आप बैठे रहेंगे, हम बगैर बैठे ही आपसे मुसाफा कर लेंगे,
मगर ये हर जलसे पे पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं, इसलिए नहीं भाई अब ज्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ इसलिए कि टाइम को बचाना है, जल्दी जल्दी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। अच्छा माशाल्लाह समझदार लोग बैठ गए हैं। अच्छा हमारे भाई जो गेट में खड़े हैं अगर ये भी थोड़ी सी मेहरबानी फरमा लें, करम फरमाई कर दें और अंदर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जिनके सरों पर टोपियां नहीं है वह सरों पर टोपियां रख लें, बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। हजरत यहाँ के बच्चे जवान बड़े खुश नसीब हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखकर भी चार मिसरे याद आ रहे हैं। ये चिरागों मस्जिदों मेहराबों में मर बन के उभरेंगे, चिरागों मस्जिदों मेहराबों में मर बन के उभरेंगे, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा, इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। और कमेटी वालों आपने इतना पैसा खर्च किया है, मेरा दिल चाहता है ये कह दूं कि कितने खुशबख्त हैं जलसा सजाने वाले, कितने खुशबख्त हैं जलसा सजाने वाले। ऐसा लगता है कि सरकार है आने वाले, ऐसा लगता है कि सरकार है आने वाले। और न घबराओ गुनाहगारो के इंशाल्लाह, न घबराओ गुनाहगारो के इंशाल्लाह, नारे दोजख से हैं सरकार छुड़ाने वाले, नारे दोजख से हैं सरकार छुड़ाने वाले। हर बैठने वाला कह रहा है कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, गजल पे आए तो मतले में काम कर देंगे, पड़े रहे तो कलंदर, उठे तो फितना है, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। तो उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरस का इलाज रखते हैं, हमें खौफ क्या हो यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हाकिमाना हाकिमाना मिजाज मेरा है, अब भी दुनिया पे राज मेरा है, सर पे रखा है तुमने जो अपने, मुझको दे दो ये ताज मेरा है। आइए मैं आपके सामने अलहाज गुलाम रब्बानी साहब से बाद में अब फहरिस्त के मुताबिक बुलबुले बागर सालत शकारे तरन्नुम अजीजम हसन लदान मुशाही मुरादाबादी, जिस बच्चे ने बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जलसों में वो बच्चा जाता है तो लोग सुभान अल्लाह कहने में भी मजबूर हो जाते हैं, नारा लगाने में भी मजबूर हो जाते हैं, जिसकी नातियां इश्क़ रसूल के चश्मे बनते हैं। मेरा दिल चाहता है कह दूं कि इनकी नातिया शायरी में फसाहत और बलागत की फरवानी, इश्क़ अकीदत की जोलानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की बुगयानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की ताबानी, तो क्या सुभान अल्लाह कहने में है कोई परेशानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आगे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तशरीफ ला रहे हैं शाकर तरन्नुम अजीजम हसन लदान नौशाही, आइए सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। दुआ करता हूँ यार ना जितने लोग हाथ उठा के नारे लगा रहे हैं मौला सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। अच्छा एक मिनट के लिए हाथ उठाएं सब लोग, हाथ उठाएं या अल्लाह, जिसका आधा सलामत आधा हाथ उठा लिया, एक सलामत एक हाथ उठा लिया, जिसके दोनों सलामत दोनों हाथ उठा लिया, मौला इन हाथों में हुसैनी ताकत अता फरमा, हाथों को लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे का जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसूलत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, वो आ रहा है आपको जिसका है इंतजार, नाते रसूल पढ़ के वो जिस दम सुनाएगा, रहमत रसूल पाक की बरसेगी बेशुमार। मद्दाह रसूल अलहाज गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला और तशरीफ़ फरमा है बुज़ुर्गों नौजवान साथियों पर्दा नशीन माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। क्या नाम है? मुस्तफ़ापुर खंसाल। क़री हनीफ साहब की दावत मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ। मैं ये आप ना समझें, आपसे कुछ नहीं कहूँगा, जी कोई भी आपसे कुछ बात कहे आप मान लिया करें, ये नहीं है कि हम आपको परेशान करेंगे, आपकी मर्ज़ी है आप खड़े रहें,
एक बार आका इनामदार मदीने के ताजदार इमाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल की बरकतों को आप रात समझे, ये आप रात ना देखें कौन पढ़ा है, ये देखें तारीफ किसकी की जा रही है, इसलिए आप रात बोलें। और शेर को आप रात समझें, ये नहीं कि कोई शोर मचा के चला जाए और आप समझे नहीं। इतने अच्छे कलाम हजरत ने पढ़े थे, आप बिल्कुल नहीं समझे। और मैं एक बात इनसे भी कहूँगा, जब मैं कलाम पढ़ूँ आप खामोश बैठे रहिएगा, और आप भी इनका ख्याल रखें क्योंकि इन्हें भी कुछ देते रहे आप रात, इनका भी इसी से ही काम चलता है। अब आप खामोश बैठिएगा, मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। समात करें एक बार मोहब्बत से बोल दें या रसूलल्लाह। बेदार तो है सभी रात, बेदार है ना। मैं रुबाई शेर हुजूर मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिर करता हूँ, समात करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कम करें, बढ़ा दें। अशीर ज़माना अशीर फी ज़माना ज़माने मदद नुआ दरहाए सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुरमत रूहे पयंबर एक नज़र हेलो हेलो हेलो। अब यहाँ से आप रात सुनेंगे ना, बेदारी के साथ सुनेंगे ना, तो ऐसे सुनेंगे, बोल के बताएं कैसे सुनेंगे, बोल के बताएं। इतना मजमा है, इतनी कम आवाज है आप रात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अच्छी लगी मुझे आपको बात, आपकी बात मुझे अच्छी लगी है ना। ऐसे आप रात को बोलना है, ये नौजवान बैठे हैं और ये समझेगा कि ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है और दोनों में मुकाबला हो रहा है। जब मैं कहूँगा तो इधर वालों को बोलना है, जब मैं कहूँगा तो इधर वालों को बोलना है। अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, समात करें। मन के मत के शेर सुने। इधर वाले बोल जाए, आपको हारना नहीं है। या ख्वाजा, कम रह रही है आपकी आवाज, जरा बोले दोबारा। या ख्वाजा, ये बात अब पूरा मजमा। या ख्वाजा, अब ये लोग जो खड़े हैं। या ख्वाजा, माजा चाहता हूँ आपसे मैं नहीं कहूँगा, है ना। आप रात ही बोलते रहे। या ख्वाजा, या ख्वाजा, आप रात हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, अब मैं साथ पढ़े। या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताइए कि ख्वाजा पे का हमारे ऊपर एहसान है कि नहीं? बिल्कुल एहसान है। एहसान है कि नहीं? जी एहसान है कि नहीं? है ना। तो कितने लोग ये मानते हैं? जो नहीं मानते वो हाथ नीचे रखे, जो मानते हैं है ना नीचे करें, नीचे करें। यार दुनिया में कोई हमारे ऊपर एहसान कर देना तो लोग कदमों में गिर जाते हैं। यार ख्वाजा पीर ने तो हमको हिंदुस्तान में बसाया है, है ना? तो हाथ उठा के बताए कौन कौन मानते हैं? मानते हैं ना? तो बोल दे एक बार या ख्वाजा। अब एक शेर है, बहुत बड़ा शेर इस कलाम का, असली कलाम शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनात करें। अब अबदाद मैं पढ़ता हूँ, दीवाने बैठे हैं, अगर मानते हैं तो अबदाद बोलेंगे। बहुत बड़ा शेर पढ़ता हूँ, सुनात करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
या हुसैन या ये महफिल आका की है, यहाँ जबान से निकले तो सिर्फ सुभान अल्लाह निकले, बातचीत करना है तो फिर बाहर जाके यहाँ कोई बात ना करे, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे या फिर सुभान अल्लाह बोले। जो फरमाइश है सुनेंगे।